नाउ द मोस्ट स्ट्राइकिंग चेंज क्या था? डिक्लाइन इन फिश डाइवर्सिटी, है ना. ओके, अब जितनी भी फिश थी उनकी कई वेराइटीज़ थी. हमने प्रीवियस पेज पर यहाँ पर हमने पढ़ा था विस्कर, कैट फिश, स्नेक लाइक ईल्स, ये सब. लेकिन अब ये सब डिक्लाइन हो चुकी थी. हार्डली वन कुड सी एनी फिश वेराइटी देयर इन द वाटर्स. डीप पूल्स जो किसी समय में होम थे वेराइटी ऑफ फिश के लिए, अब सिल्टेड हो चुके हैं, यानी फाइन सैंड पूरा डिपॉजिट हो चुका है, पूरे शैलो हो चुके हैं. एंड ही सेज, नीलेश हेडा बताते हैं कि व्हेन आई वाज अबाउट 5 years फिशरमैन ब्रॉट अ ह्यूज टॉर्टोइस टू द वीकली मार्केट टू सेल. सोचो इतना पानी था जिसमें टॉर्टोइस रहते थे, बड़े बड़े फिश थी वेराइटीज. लेकिन वो कहते हैं उनको याद आया कि व्हेन ही वाज 5 years old फिशरमैन जो हैं दे ब्रॉट अ ह्यूज टॉर्टोइस, एक वीकली मार्केट जो लगता है ना जिसमें कैटल वगैरह इनको सेल करा जाता है, ठीक है. तो उसमें ह्यूज टॉर्टोइस लेकर आए. क्रीचर वॉज सो बिग डैट इट वॉज वॉकिंग विद अ मैन सीटेड ऑन इट्स बैक. इमेजिन, इट वॉज सो बिग, वो टॉर्टोइस इतना बड़ा था कछुआ कि उस पर जिस तरह से, है ना, गाय पर या हॉर्स पर या भैंस पर बैठता है इंसान, उस तरह से उस टॉर्टोइस के बैक पर बैठकर ही हैड कम टू द वीकली मार्केट. आई हैव नेवर सीन सच लार्ज क्रीचर्स इन द रिवर ड्यूरिंग माई कैरियर एज अ फिश बायोलॉजिस्ट. और वो कहते हैं दैट वॉज द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम दैट आई हैड सीन सच अ ह्यूज टॉर्टोइस, उसके बाद मैंने कभी नहीं देखा.